तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन है क्या और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट हैं और इसको अपने चैनल पे क्या इससे अप्लाई करने हैं सभी कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, आपका स्वागत है टेक जोन मोबाइल में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर टू स्टेप वेरिफिकेशन है क्या, तो दोस्तों आपने ऐसे बहुत से चैनल सुने होंगे जिनका चैनल हैक हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते, तो इसीलिए यूट्यूब ने ये नियम अपने चैनल पे लागू किया है जिससे कि आप अपने चैनल पे इसको अप्लाई कर सकते हैं और इससे आपका चैनल हैक होने से बच सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके हमें बेनिफिट क्या है। दोस्तों यदि आप इसको टू स्टेप वेरिफिकेशन को अपने जो जिस भी नाम से अपने चैनल बनाया है तो उस पर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपका यदि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आप इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते तो जल्दी से आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इसके ये रहे बेनिफिट। अब दोस्तों बात करें कि इसको अपने चैनल पे अप्लाई कैसे करना है टू स्टेप वेरिफिकेशन को, तो सबसे पहले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की। पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा, उसके बाद आपको ये साइड में तीर का निशान है उस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको डिस्क्रिप्शन साइड पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, मैंने पहले से कर रखा है। उसके बाद आपको सर्च बार पर टाइप करना है YT Studio, उसके बाद आपको सर्च मार देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके साथ YT Studio का पेज ओपन हो गया है, आपको यहाँ साइन इन का ऑप्शन फर्स्ट नंबर पर मिल जाता है, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद ये YT Studio ओपन हो रहा है पेज, थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, नेट स्लो है। जैसे पेज ओपन होगा आपको यहाँ मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है साइड में, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको ऊपर यहाँ चैनल मोनेटाइजेशन क्लिक करा गया है और नीचे आपका ये तीसरे नंबर पे टू स्टेप वेरिफिकेशन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप यहाँ ऊपर लिखा है टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, उसके बारे में कुछ दिया हुआ है, उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद ऊपर आपको जीमेल सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, आपको जिस ईमेल को टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना चाहते हैं आप यहाँ ईमेल सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ आपको अपना पासवर्ड ईमेल का डाल देना है, मैं यहाँ अपना जीमेल का पासवर्ड डाल दे रहा हूँ 16। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं आपका जो भी डिवाइस है डिवाइस का नाम यहाँ आ जाता है, जैसे मेरा LG का फ़ोन है या LG W30 Pro डिवाइस का नाम लिखकर आ जाता है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको यहाँ फ़ोन नंबर मांगेगा, आप अपना यहाँ फ़ोन नंबर लिख दीजिए और यहाँ आपको OTP आप कैसे लेना चाहते हैं, यहाँ आपको हाउ डू यू वेंट टू गेट कोर्स, तो यहाँ मैं टेक्स्ट मैसेज के द्वारा OTP लेना चाहते हूँ तो यहाँ आपको अपना फ़ोन नंबर टाइप करना है। जैसे मैं अपना फ़ोन नंबर लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करते हैं यहाँ आपको OTP इंटर दो कोड लिखा है, यहाँ आपको OTP फ्लिप करना होगा। OTP फ्लिप करने के बाद आपको नेक्स्ट पर फिर दोबारा से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करें आपको ये टर्न ऑन ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है अगेन और ये ओपन हो रहा है YT स्टूडियो टू स्टेप वेरिफिकेशन। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपका ग्रीन टिक लग गया है, यानी आपका जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो एक्टिव हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ टू स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव लिखकर आ चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही आप बड़े आसानी से अपना
जीमेल में टू स्टेप वेरिफिकेशन को लगा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों यूट्यूब से अपडेट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में।